वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के फोर्थ चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले की हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, दीज आर द शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस टू गेट अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। एंड पहले वी विल डिस्कस व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच नीड्स टू बी कवर्ड फॉर द डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव एज वेल एज समटाइम्स वी कवर द की टॉपिक्स व्हिच फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस। सो और द फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी, इट्स एमसीक्यूज आर ऑल्सो फॉर्मुला बेस्ड। So we just need to be more cautious while studying the financial accounting subject, obviously, especially for those who are not from the accounting background. So let's quickly start with our fourth chapter. So जैसा कि हम पहले अपने सारे chapters में देख चुके हैं, जो starting के हमने three chapters discuss किए थे, all those forms a very important base. They are having a certain important question we need to study or read them at least once or twice. This chapter is relatively lower importance in comparison to other chapters. So maybe if you just read the key pointers of this chapter, then also it's good. You need not to deep dive into this chapter if you are having some time constraint. If you are not having time constraint, then I suggest that read each and every chapter, right? So let's quickly start with our fourth chapter. So fourth chapter ki agar hum baat kare, so again it's a preparation of the financial statements. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, सो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस की। सो ट्रायल बैलेंस इज सिंपली जो स्टेटमेंट है विच शोज द डेबिट एंड क्रेडिट सेपरेटली प्रिपरेशन, एंड दिस स्टेटमेंट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम पहले भी देख चुके हैं, जिसमें आपका लेजर अकाउंट होता है, आपका लेजर फोलियो होता है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस होता है, उसकी फॉर्मेट में आप अपना एक ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ द टाइप ऑफ एरर्स की अगर हम बात करें, सो देर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर ऑफ ऑमिशन, सपोज आपने कोई एंट्री या कोई ट्रांजेक्शन स्किप कर गए। एरर ऑफ कमीशन, जहाँ पे आपने टोटलिंग के अंदर आपने कुछ मिस्टेक कर दी कैरी फॉरवर्ड या फिर नेक्स्ट पीरियड में आप उसे ले जाने के अंदर। थर्ड वन इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मीन्स आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिया, मीन्स आपने वाइस वर्सा प्रॉफिट को लॉस दिखा दिया, लॉस को प्रॉफिट दिखा दिया इन सच अ वे, दैट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट इज द कंपनी Stating error, it's simply when you are compensating which do not affect the agreement of the trial balance. Means suppose आपने कोई एक entry थी कि 50,000 credit होना था and 50,000 debit होना था, आपने पूरी entry ही नहीं करी, right? So in that case, it's a compensated errors. So normally एक MCQ question we can expect from the type of errors. Then next part forms the preparation of the profit and loss statement. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज द सेल्स रेवेन्यू माइनस गुड्स, आपने कितना बेचा माइनस कितना आपकी खरीद में आया। सिंपली यार मैंने 50 रुपए का कोई आइटम खरीदा था और 80 रुपए में बेचा, तो 30 रुपीज इज माई ग्रॉस प्रॉफिट। लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी बेसिक एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द देर आर सर्टेन टर्म्स, सो नेक्स्ट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रिटर्न इज बेसिकली जब भी आपने किसी कस्टमर को कोई चीज दी दैट इज डैमेज और डिफेक्टिव, या आपने कुछ ऑनलाइन परचेज किया वो डैमेज आ गया, सो व्हेन यू आर रिटर्निंग इट देन इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस। सेल्स रेवेन्यू इज द रेवेन्यू विच द फर्म अर्न्स एट द टाइम ऑफ द सेल्स। जब आपकी सेल्स होती है, सेल ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उससे जो भी पैसा आता है फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अर्लियर इट वाज वैट, सीएसटी, एंटी टैक्स, लग्जरी टैक्स, अलॉटमेंट टैक्सेस विच आर बीइंग मींस इनकॉर्पोरेटेड बाय द गवर्नमेंट, सो सारे टैक्सेस का हम इसमें एंट्री डालते हैं। देन नेक्स्ट इज कॉक्स, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उनका जो एक्चुअल कॉस्ट था गुड्स का, वो हम डिटरमाइन करते हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, सो व्हाट वाज द बिगनिंग इन्वेंटरी, व्हाट वाज द सर्टेन परचेजेस, देन वी जस्ट राइट परचेज रिटर्न्स, द फ्री ऑन अ परचेजेस, सर्टेन एडवांटेजेस, सर्टेन वेजेस एंड द एंडिंग इन्वेंटरी। सो ऑल दिस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कॉग्स, ठीक है। सो वी कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन के व्हिच इज डज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉग्स, सो यू शुड हैव एन आइडिया के ओके दिस थ्री और दिस फोर आर द फॉर्म्स ऑफ द पार्ट ऑफ द कॉग्स। Then next is the operating profit. So operating profit is simply आपका gross profit आपने calculate कर लिया। आप gross profit में से जो भी आपके operating expenses है, जब आप उनको subtract करते हैं, then forms the part of the operating profit. Then next is the net profit. So net profit is जब आप operating profit में से non-operating revenues या non-operating expenses को आप remove कर देते हैं, that forms the part of the net profit. So let's understand it. It's GON. G is the gross profit, O is the operating profit, N is the net profit. सबसे पहले आपने gross profit calculate किया, gross profit के बाद आपने operating profit calculate किया, सारे operating expenses से revenues हटा दिए,
फिर आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग में से सारे जो नॉन ऑपरेटिंग वाले थे उनको भी हटा दिया। दिस अंडरस्टैंड इट इन दिस वे। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, या यू विल बी गिवन सम क्वेश्चन कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, नॉन ऑपरेटिंग इतना है, तो यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट। सो यू जस्ट नीड टू हैव द फॉर्मूला इन योर माइंड। इट्स क्लियर? ग्रॉस देन ऑपरेटिंग देन नेट। सो ग्रॉस ऑपरेटिंग नेट। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज अगेन जो बिजनेस एक्सपेंसेस से अलग जो होते हैं वो आपके इनकम टैक्स होते हैं, लाइक जो भी आपका सोल प्रोप्राइटर के एडजस्टमेंट्स हैं कैपिटल इनकम के अंदर, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट। सो अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, तो बैलेंस शीट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसमें अगेन हम एसेट्स लाइबिलिटीज और ऑनर्स कैपिटल या इक्विटी डालते हैं, और जो आपका फॉर्मूला है एसेट लाइबिलिटी ऑनर्स का वो हम उस पर लिवाए रहता है। डुअल कंसेप्ट आपका रहता है, आपके ट्रांजेक्शन के टू रोल्स होते हैं। तो उस वे में एंड जस्ट रेफर टू द बुक वंस टू जस्ट सी के हाउ इट लुक्स लाइक, राइट? बिकॉज नॉर्मली क्वेश्चन नहीं आता है, बट यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी है, यहाँ पे आपका एसेट है, एसेट आपका नीचे आता है, लाइबिलिटी आपका लेफ्ट साइड में आता है। सो इस वे में आपके माइंड में होना चाहिए। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द एडजस्टमेंट एंट्रीज। कुछ एक इंटरनल एडजस्टमेंट्स होते हैं जिनके बेसिस पे, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपका जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपका सेम आए। सो देर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे हमें सर्टेन एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, उनको उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लाइक सबसे पहले इट्स अ प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि आपने पहले से ही प्रीपे कर रखा है, उन एक्सपेंसेस को आपको नेक्स्ट ईयर में कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, दैट थिंग। नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन इज द चार्ज फॉर द कंजप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड अमोर्टाइजेशन इज द चार्ज फॉर द एक्सपायरी ऑफ बेनिफिट्स इज द इंटेंजिबल। सो दिस इज अगेन वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि डेप्रिसिएशन इज फॉर द टेंजिबल वन एंड अमोर्टाइजेशन इज फॉर द नॉन टेंजिबल वन। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट कम्स द इनकम रिसीव फ्रॉम इन एडवांस और द अनअर्न्ड इनकम। जैसे आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, वैसे ही आपकी कुछ इनकम जो आपको एडवांस में रिसीव हो गई या कुछ एक आपकी अनअर्न इनकम हो गई, वो फॉर दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्रीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ आपको पे करने हैं, मे बी सैलरीज हो गई या फिर आपको कुछ रेंट पे करना है जो अभी तक आपने पे नहीं किया, दैट इज योर ऑब्लिगेशन जो आपका उस पीरियड के अंदर लाइन नहीं किया। देन नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग और द एक्यूर्ड इनकम, इट्स जस्ट रिवर्स कि आपकी कुछ सिक्योरिटीज या डिपॉजिट से आपका पैसा कुमलेट हुआ बट आपने उसे अभी तक फॉर्म ने कलेक्ट नहीं किया है, दैट आर सर्टेन यू कैन से द एडजस्टमेंट एंट्रीज। देन द प्रोविजन ऑफ द बैड एंड द डाउटफुल डेप्थ। कुछ एक डेप्थ ऐसे होते हैं जिनका मतलब सिस्टम में वी आर नॉट श्योर बेसिकली दैट आर द लॉसेज दैट आर रिजल्ट फ्रॉम द डेप्थ ऑन द ऑब्लिगेशन टू पे। कुछ एक आपके ओवरहेड चार्जेस हो गए, सो दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन फॉर द बैड एंड द डाउटफुल डेप्थ। देन नेक्स्ट पार्ट कम्स एज द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के बाद जब भी हम ये सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज डालते हैं, पोस्ट करते हैं, पोस्टिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट टर्म। बहुत क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि पोस्टिंग व्हाट इज एंड द आंसर विल बी पोस्टिंग। सो जस्ट थिंक के पोस्टिंग मीन्स वी आर जस्ट एडजस्ट पुटिंग द एंट्रीज राइट इन द लेजर। सो ट्रायल बैलेंस से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है जब आपकी सारी एंट्रीज आपकी पोस्ट हो जाती है। देन कम्स द क्लोजिंग एंट्रीज एंड द लास्ट वन इज द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। तो जब फाइनली आपका सब सेटल हो जाता है, ऑल गुड, देन वी जस्ट सिंपली क्लोज द ट्रायल बैलेंस एंड वी कैन जस्ट प्रिपेयर द रेवेन्यू ऑन द एक्सपेंस अकाउंट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, नथिंग मच, बट देर आर फ्यू थिंग्स विच नीड्स टू बी टेकन केयर। सो लाइक सम एरर्स पार्ट या फिर सर्टेन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो जस्ट मेक श्योर यू जस्ट रिमेंबर दीज टर्म्स, बिकॉज इस पे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं दैट आर वेरी सिंपल। इफ यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स यू कैन इजिली क्रैक द एमसीक्यू फॉर दिस चैप्टर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और एनी इशू जस्ट फील फ्री टू जस्ट कनेक्ट टू मी एट ngsc.mba@gmail.com। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।